हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन। मेरे इस किचन में आपका स्वागत है। ऐसा कहते हैं आपने बहुत बार सुना होगा, पर आज मैं आपके सामने अपना फर्स्ट ब्लॉग लेकर के आई हूं। और मैं ही हूं गुंजन, तो मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने कैमरे पे आई हूं। मैं बहुत बार से सोचती थी कि मैं कैसे अपने आप को कैमरे के सामने पोस्ट करूँ, कैसे अपने आप को कैमरे के सामने लाऊँ, पर मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने फाइनली सोचा कि मुझे कैमरे के सामने तो आना ही चाहिए कि आप मेरा वीडियोस देखते हैं पर मुझे पहचानते नहीं हैं। सो मैंने अपना व्लॉग लेकर के आई हूँ मैं आपके सामने कि मैं किस तरीके से अपने आप को मैनेज करती हूँ जब मैं वीडियोस बनाती हूँ। एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। मैं बहुत बार से सोचती थी कि मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं कि मैं कुछ वर्क करूं, घर पे बैठ करके करूं, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं, जब मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा था जॉब करते हुए एंड शी वॉज अ प्रिंसिपल। एंड मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं ये जॉब नहीं करूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि सुबह चले जाओ और दोपहर शाम तक लौट करके आओ। बड़े हैं, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, मेरी बेटी भी बड़ी है, और पर मुझे ये लगता था कि अब मैं क्या करूं, मुझे अब कोई सुबह टिफ़िन का झंझट नहीं होता है कि सुबह उठना है, अर्ली उठना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, इस तरीके से अब मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं बहुत खाली हो गई उस समय। मेरा बेटा साउथ में है, NIT वारंगल में, तो वो भी नहीं है, बेटी भी अब 12th पास आउट है। तो मुझे लगता था कि अब मैं कैसे अपने टाइम को पास करूँ। तो मैं जो खाना बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो शुरू से यही कहते थे कि मम्मी आप जो बनाती हैं खाना तो आप बहुत टेस्टी बनाती हैं, आप इसको थोड़ा सा बाहर करिए, थोड़ा सा ऐसा करिए कि और लोग भी आप इसके इस खाने को टेस्ट करें। तो ये चीज़ बहुत बार से बच्चे कह चुके थे, तो मुझे लगता था मैं किस तरीके से ऐसा करूँ कि मैं जो बनाती हूँ वो दूसरे भी देखें, दूसरे भी उससे सीखें। हालाँकि खाना बनाना तो सभी को आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बनाने का प्रोसीजर एक। तो मैंने ये सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, पर ऐसा कोई टाइम नहीं सोच के रखा था कि हाँ ये कब करना है, कैसे करना है। और मुझे क्योंकि जॉब कभी पसंद नहीं थी, मुझे लगता था कि टाइम बाउंडेशन मुझे कभी नहीं समझ में आता था कि किसी के अंडर में मैं जॉब करूँ, इस समय घर से बाहर निकलूँ या इस समय घर के अंदर आऊँ, फिर उसके बाद अपना वर्क मैनेजमेंट घर का। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हाउसवाइफ की जॉब भी कोई इजी नहीं होती है, सुबह मॉर्निंग से जो स्टार्ट होती है वो नाइट तक चलती है। हाँ, आज मैं खाली हूँ, तो मेरा बेटा आया हुआ था साउथ से, तो मैं आपको इसलिए बताने जा रही हूँ कि मैंने अपना किस तरीके से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया। मैंने उससे पूछा कि साउथ में क्या ऐसी चीज़ें जो तुम्हें बहुत पसंद आती है, तो उसने कहा मम्मा मुझे मेड़ू वड़ा बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो अच्छा इसको बनाते हैं। तो मैंने उसके लिए बनाया, उससे पूछ पूछ करके कि ऐसे कैसे होता है, इसमें क्या पड़ता है, कौन सी चीज़ ऐसी रहती है। तो मैंने उसको बनाया और मैंने कहा चलो उसका वीडियो ले लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसका वीडियो लिया और मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तब मैंने नहीं सोचा था कि नेक्स्ट मैं क्या करूँगी या आगे कैसे जाएगा। इस तरह से करते हुए मैंने, हालाँकि वो चला भी गया, तो मैंने कहा अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे वीडियोज़ वही बनाता था। मैंने कहा चलो कुछ करना तो हो गई, इसको आगे शुरू किया है तो बढ़ाना है। तो मैंने इस तरीके से फिर अपना सेल्फ लेने लगी वीडियो, ट्राईपॉड मंगाया, उससे मैं वीडियोस लेने लगी। इस तरीके से मैंने अपनी ये जर्नी बना के रखी। तो आज मैंने काफ़ी वीडियोस अपने अपलोड कर दिए हैं और मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद भी आती हैं, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स भी बन गए हैं जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे जानते हैं। तो आज मेरा वो ब्लॉग देखेंगे तो मुझे फेस टू फेस भी जान लेंगे, तो मेरे व्यूज़ भी अच्छे हो गए हैं, मेरे 10,000 के करीब व्यूज़ होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अब एक ब्लॉग डाला जाए कि आप मुझे जानें पर्सनली। तो अब आपको ये करना है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे और बढ़ाने हैं, तो प्लीज़ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे वीडियोज़ को आगे से आगे प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जिससे वो वीडियोस को देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, वो भी सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके से आप ही हैं जो मेरे वीडियोस को आगे बढ़ा सकती हैं और सब्सक्राइबर्स भी आप ही बढ़ा सकती हैं। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखिए और उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और लाइक करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके मैं यूट्यूब चैनल खोलती हूँ अपना और देखती हूँ कि आज कितने सब्सक्राइबर बढ़े या आज मेरे वीडियोस कितने अच्छे बढ़े। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरे नमक वाले वीडियो में हैं। नमक की जो मैंने रेसिपी डाली है सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरे उसमें हैं। मैंने जब ये डाला था तो मुझे पता नहीं था कि इतना छोटा सा इतना सिंपल सा वीडियो भी आपको पसंद आएगा। फिर मैं वीडियो डालती रहती हूँ, मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि अब क्या डालूँ। तो थोड़ा सा टाइम इधर मुझे ज़्यादा लग रहा है, मेरा गैप ज़्यादा हो गया है वीडियोस डालने में, बट मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि मेरा अब मॉर्निंग रूटीन बस यही है कि बच्चों का टिफ़िन नहीं देना है, बस हस्बैंड को बना के देना है। इनका भी आउटिंग है, जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ तो इनका वर्क एरिया कानपुर में है, लखनऊ में भी है तो मोस्टली ये कानपुर जाते हैं। तो जाने आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, अपना पर्सनल काम है इनका। तो इस तरीके से बस ये जर्नी चल रही है किसी तरीके से, और थोड़े दिनों में बेटी भी चली जाएगी तो मैं बिल्कुल खाली हो जाऊँगी। तो मैं पूरा अपना होल सोल मैं इसी पे लगाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे बन जाएं, और आप सभी मुझे लव करें, मेरे चैनल को लव करें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं हम सब आपस में मिल करके एक अच्छे फ्रेंड्स भी हो जाएं। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा मुझे ये है कि क्या मेरे वीडियोज़ आपको पसंद नहीं आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करा करिए कि मैं कैसे भी रेसिपी डालती हूँ, कैसे वीडियोस मेरे अच्छे आपको लगते हैं। तो चलिए इस तरीके से मैं अपना आगे भी ब्लॉग डालती रहूँगी। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे लगता था मैं कैसे अपने आप को पोस्ट करूँ, कैसे आप लोगों के सामने आऊँ। तो चलिए आज फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने आई हूँ, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरे वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।